हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। आज का मेरा ये वीडियो है, आने वाली जन्माष्टमी पर आपको किस तरह से लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना है, ये वीडियो उस पर है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृषा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो देखते हैं इस पंचामृत बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है। ये देखिए, पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले तो देसी घी, हल्का सा उसे गर्म करके मैंने ठंडा कर दिया है। देसी घी, दूध, दही को थोड़ा फैट लिया है कि वो गट्ठे नहीं पड़े, शहद, शक्कर का बूरा, गंगा जल के साथ पानी। मैंने इसमें अपना रोज वाटर जो मैंने घर पे बनाया है वो भी मैं मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो। ये रोज वाटर जो मैंने घर पे खुद बनाया है और गंगा जल भी मैंने मिक्स किया है, तो इससे क्या मस्त खुशबू आ जाएगी। और ये है केसर, केसर घोल के मैंने उसका पानी रेडी कर दिया है। तो और ये है दक्षिणावर्ती शंख। शंख से स्नान करने के कई लाभ होते हैं, काफी फायदा होता है। हम शंख से स्नान, दक्षिणावर्ती शंख का स्नान सिर्फ हम लड्डू गोपाल है, जुगल जोड़ी है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, बाल किशोरी राधा रानी है, राम जी है, गणेश जी है, उनसे हम इनका स्नान करा सकते हैं, बट शिव जी का स्नान हम शंख से नहीं करा सकते हैं। तो चलिए आइए, लड्डू गोपाल की हम स्नान कराते हैं, स्नान की तैयारी कर लेते हैं। आज मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कुछ इस तरह है। देखिए, मुझे कमेंट में पूछा गया था कि दीदी सेवा किसे कहते हैं। तो सारा दिन जब हम सुबह उठ के भगवान को निलाते हैं, उन्हें पोशाक पहनाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उसी को सेवा की जा बोली जाती है। तो ये है मेरी आज की सेवा। तुलसी पत्ते भी थोड़े मैंने ले लिए हैं, जो ने मैंने गंगा जल में डाल दिया है तुलसी पत्ता। ये लड्डू गोपाल के पास मैं थोड़े रख देती हूँ, लड्डू गोपाल को मेरे पास ले लेती हूँ। इनके श्रृंगार उतार लूं। ये मैंने पगड़ी घर पे ही बनाई थी, सैटिन रिबिन से। जन्माष्टमी में, जन्माष्टमी का महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जो पूरे देश भर में बनाया जाता है। कई लोग हर मंथ में, मतलब अपने अपने लड्डू गोपाल का अपने हिसाब से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जन्माष्टमी महोत्सव तो सारे लोग बनाते ही है, तो ये बहुत बड़ा महोत्सव है। हम जनरली हम लोग जब पंचामृत बनाते हैं तो ये सारी सामग्री, हम सारी सामग्री मिक्स करके एक ही बार में लड्डू गोपाल को स्नान करा देते हैं। बट क्योंकि जो इतना बड़ा उनका जन्म उत्सव है, तो हम एक एक चीज से उनका स्नान कराएंगे। तो चलिए आइए, हम स्नान कराते हैं। स्नान कराने के लिए आप जो जाप करते हो वो आप बोल सकते हो। कोई बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कोई बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ना पहले हम जल से स्नान कराएंगे थोड़ा सा। अब मैंने दक्षिणावर्ती शंख में दूध डाल दिया है, अब मैं दूध से स्नान कराऊंगी। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख ना हो, कोई बात नहीं, आप इस तरह की लोटी से भी स्नान करा सकते हो। और आपको बोलते रहना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हमने दूध से करा दिया, अब हम दही से स्नान कराएंगे। जाप तो आपको मन ही मन, उनके जन्मदिन वाले दिन तो सारा दिन, बस आपको ऐसे समझना है कि आपके यहाँ जैसे आपके बच्चों का बर्थडे होता है, आप कैसे पूरा दिन मन ही मन खुश रहते हो, इतनी सारी डेकोरेशन करते हो, उसी तरह इनके जन्म उत्सव को भी वैसे ही सेलिब्रेट कीजिए। आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। अब मैं घी ले रही हूँ, घी हमें थोड़ा सा लेना है क्योंकि फिर बहुत चिपचिपा सा हो जाता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शहद लेना है। कई लोग बोलते कि हमारे विग्रह में वो चमक नहीं आती है, हमारे विग्रह काले पड़ जाते हैं। आप पंचामृत से स्नान कराइए, आपके विग्रह देखो कैसे चमकेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो शक्कर का बूरा है वो मैं उन पे हल्का सा ऐसे कर दूंगी, ठीक है। और अपने हाथों से, हल्के हाथों से, जैसे हम बिल्कुल अपने कोई छोटे बच्चों को निला रहे हो ना, उसी तरह हमें ऐसे घसघस नहीं करना। हल्के हाथों से आप लड्डू गोपाल को स्नान कराइए ये सारी चीजों से। देखिए मेरे लड्डू गोपाल को तो पंचामृत का स्नान बहुत अच्छा लगता है, उनका चेहरा ही एक अलग चमक उठता है, खिल उठते हैं वो। मैं नैपी पहना के ही स्नान कराती हूँ, आप देख ही सकते हो किस तरह से वो चमक रहे एकदम। अब जो मैंने केसर का पानी बनाया है, ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशन पानी बनाया, इस दिन आप इनसे इस केसर के पानी से भी स्नान कराओ तो काफी शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम शुद्ध जल से उनको स्नान कराएंगे। अब जो ये स्नान किया हुआ ये जो जल नीचे है आपकी थाली में, ये हो गया हमारा चरणावत, इसे बोलेंगे हम ये हो गया चरणावत। ये भी हम तुलसी दल पत्ते रख के इस तरह से हम प्रसाद रूपी बांट सकते हैं, और पंचामृत को बाद में हम मिक्स करके ये भी हम पंचामृत भक्तों में बांट सकते हैं, आपके घर के सारे मेंबर को। और इसको आंखों से ऐसे इस तरह से लगाना है प्रभु के जल को, और ये जल आपको सिंक में नहीं फेंकना है। आप पीपल का पेड़ है, केले का पेड़ है, उस तरह आप इस जल को विसर्जित कर सकते हो, बट आप सिंक में ना फेंकिए और तुलसी जी में भी ना विसर्जन करिए, क्योंकि तुलसी झड़ जाती है। तो आप पीपल के पेड़ में या कोई भी पेड़ में आप इस जल को विसर्जन कर दीजिए। तो ये हो गई हमारी, और आप फिर वो दक्षिणावर्ती शंख को भी क्लीन करके रख दीजिए। मैं ये सब कुछ साइड कर देती हूँ, मैंने साइड कर दी, थोड़ी जगह हो जाए, जल में रख देती हूँ। ये मैंने इनके कपड़ों की तैयारी कर दी है, ये मैं उनको नैपी बना रही हूँ पहन ली। देखो आप उनके चेहरे की चमक देखिए, अब हम इन्हें पोशाक पहना देंगे। जन्माष्टमी में कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमें नहलाने के बाद, उनको 12 बजे के बाद हल्के फुल्के कपड़े पहनाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मान्यता है, आप जैसा सोचो। मैं तो उन्हें हैवी पहनाती हूँ क्योंकि उनका जन्म हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे हैवी पोशाक में उन्हें पहनाऊं। देखिए इस तरह से आपको पोशाक पहनाना है, ये दोनों अच्छे से यहाँ एडजस्ट हो जावे, ऐसे नहीं कि ये यहाँ शोल्डर उनका लटक रहा हो। ये मैंने उनको माला पहना दी, ये हो गए कंगन, देखिए मेरे लड्डू गोपाल स्नान करके रेडी होके बैठे हैं। गोपी चंदन मैंने उनको लगा दिया है, थोड़ा सा ये सूख जावे तो मैं उनकी पगड़ी उन्हें पहना दूंगी। तब तक आइए मैं आपको बताती हूँ आपको जन्माष्टमी पे किस तरह से अपने झूले का श्रृंगार करना है, झूले किस तरह से सजाने हैं। ये मेरा झूला है, लास्ट ईयर मैंने इनमें ही बिठाया था, ये साल मैंने लड्डू गोपाल के लिए नया झूला मंगाया है,
लॉकडाउन में अगर जल्दी आ जाएगा तो मैं जरूर जन्माष्टमी पे नए झूले पे उनको बिठाऊंगी, नहीं तो फिर इसी में ही बैठ जाएंगे। लड्डू गोपाल की जैसी इच्छा होगी, आप फूलों से, लाइट से, अलग अलग तरीके से, आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से, सच्चे फूलों से भी आप पूरे झूले को श्रृंगार कर सकते हैं। मैंने तो अभी आर्टिफिशियल सी किया है, आप ऐसे डेकोरेशन कर सकते हो, इस तरह से डेकोरेशन सारी आप कर सकते हो। अब मैं लड्डू गोपाल को बिठा देती हूँ झूले में। बैठ गए ना? अब मैंने बांसुरी दे देती हूँ। देखिए देखिए कैसे लग रही है मेरी लड्डू गोपाल, सुंदर लग रहे हैं ना एकदम। फिर मैं उन्हें झूला दूंगी ऐसे। इस तरह से आपको जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करनी है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी अपने जन्माष्टमी का छोटा सा या झूले की सेवा जो भी हो आपके पास वीडियो, छोटा सा वीडियो मुझसे भी शेयर कीजिए तो मैं अपने चैनल पे आपका वीडियो जरूर अपलोड करूँगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को और मेरी इस सेवा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।